कर्नाटक के खौफनाक सेक्स स्कैंडल ने सूबे में सियासी भूचाल ला दिया है, जिसकी तपिश राजधानी दिल्ली ही नहीं देश के तमाम छोटे बड़े शहरों तक जा पहुंची है। जानने और सुनने वाले हैरान हैं कि देश के पूर्व पीएम का परिवार ऐसी घिनौनी हरकत भला कैसे कर सकता है। राज्य के लोग शर्म से आज हमारे चेहरा झुक रही है। ये पूरे देश भर में एक शर्मनाक घटना घटी है। पूरे देश को छोड़िए, पूरे विश्व भर में ऐसा घटना मेरे ख्याल से दूसरी जगह नहीं। ये जो प्रज्वल रेवन्ना हमारी भारत देश का एक सांसद है, हासन से चुनाव लड़े हैं जेडीएस पक्ष से। मैं हैरान हूं कि कोई आदमी इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। जेडीएस और बीजेपी का एमपी कैंडिडेट कर्नाटका से प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देव गौड़ा का पोता भी है, उसकी 3000 सेक्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लड़कियां उसके घर में काम करती थीं, कई पार्टी वर्कर्स थीं और कई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी थीं। उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है कि ना सिर्फ ये आदमी उनके साथ रेप करता था, बल्कि उनके अश्लील वीडियोस बनाता था, जिससे कि बाद तक वो उनको ब्लैकमेल करता रहे। इन बयानों से आपको बहुत हद तक पता तो चल ही गया होगा कि हम जिस खौफनाक सेक्स स्कैंडल का जिक्र कर रहे हैं, उसकी हैवानियत भरी दास्तान रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर वीडियो में महिलाएं प्रज्वल से छोड़ने की गुहार लगा रही हैं, वो गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन वो उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है। इतना ही नहीं, वो खुद इस यौन शोषण का वीडियो बनाते हुए भी कई क्लिप में नजर आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनकी मेड ने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराई है। रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ एफआईआर कराने वाली महिला ने कहा कि वो रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। उसका आरोप है कि मेड की नौकरी करने के 4 महीने में ही रेवन्ना ने परेशान करना शुरू कर दिया। पत्नी जब भी बाहर होती, रेवन्ना किसी न किसी बहाने कमरे में बुलाते और गलत तरीके से छूते। प्रज्वल का ऐसा खौफ था कि उसके आते ही हम स्टोर में छिप जाते थे। पीड़िता का आरोप है कि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल कर अश्लील बात करता था। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जेडीएस से कर्नाटक में बीजेपी का गठबंधन है, उसी बीजेपी के नेता का दावा है कि उन्होंने दिसंबर 2023 में पार्टी अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था कि उन्हें एक पेन ड्राइव मिली है, जिसमें सरकारी अधिकारियों समेत महिलाओं के यौन शोषण के करीब 3000 वीडियो क्लिप है। इन वीडियो में कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना को दिखा गया है। ये वीडियो 26 अप्रैल को कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सियासी बवाल मच गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि रेवन्ना बेंगलुरु से जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट निकल भागा। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, उसके चंद घंटों में ये आदमी देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। तो किसके शहर से इस आदमी ने देश छोड़ा, कैसे हो गया ये? मेरी भारत सरकार से अपील है, ये आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, इस घिनौने आदमी को घसीट कर वापस देश लेकर आइए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाइए। कर्नाटक में बीजेपी की सहयोगी पार्टी और देश के पूर्व पीएम के परिवार से जुड़े सेक्स स्कैंडल को लेकर कांग्रेस सीधे पीएम मोदी पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? जहाँ विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता? हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? ओवैसी ने एक्स पर लिखा है, पीएम मोदी ने मैसूर में एनडीए के हासन उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। इस उम्मीदवार पर महिलाओं का यौन शोषण करने और उनके साथ जबरदस्ती करने, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए हजारों वीडियो बनाने का आरोप है। भाजपा को इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में पता था और प्रधानमंत्री ने फिर भी उसका समर्थन किया। मोदी के नारी शक्ति, मंगल सूत्र की रक्षा आदि के दावों का क्या हुआ? वह अब कथित तौर पर भारत से भाग गया है।
मोदी को भारत की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए, मोदी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने भारत की बेटियों की गरिमा के बजाय राजनीतिक सत्ता को क्यों चुना। सियासी बवाल और भूचाल के बीच सवाल बीजेपी के चाल चरित्र और चिंतन पर उठ रहे हैं, सवाल इतने सम्मानित परिवार का भी है, सवाल देवगौड़ा के इतने सम्मानित परिवार का भी है और सवाल हजारों महिलाओं की बेबसी का भी। फिलहाल कर्नाटक सरकार ने इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर जांच शुरू करवा दी है।